आपने भी देखा है ये काले पहाड़ों को। हमने आज पहुंचना है जी स्टोर पहुंचना है। जो मजा है वो मेरा भी ख्याल है बाइक पे ही है। गाड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों क्या हाल चाल है आपका, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। जो लोग हमारे सीरियल को फॉलो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, अभी तक हमने 3 वीडियो पोस्ट कर दी हैं। तीसरी जो वीडियो पोस्ट की थी वो हम नारान से चले थे और बाबूसर टॉप तक थे। इरादा तो मेरा यही था कि वन डे की एक वीडियो होनी चाहिए वो, लेकिन जब सफ़र देखा और वीडियोस देखी तो मैंने कहा भाई कौन देखेगा 40-40, 50-50 मिनट की, घंटे-घंटे की एक वीडियो। फिर इस वजह से मैंने एक दिन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जैसा कि पिछली वीडियो में हम पहुंच चुके थे बाबूसर टॉप और वहां से अभी हमने सफ़र का आगाज़ कर लिया है और हम जा रहे हैं इस वक्त, प्लान तो हमारा स्कर्दू की तरफ है लेकिन अभी हम जो सफ़र करेंगे, जहां पर हम स्टे करेंगे अभी, क्योंकि अब बाबूसर टॉप पे हमने कोई आधा घंटा तो बैठे ही है ना जी, कुछ हल्का फुल्का खा भी लिया, अब जाएंगे हम चलास की तरफ। चलास में जाकर स्टे वगैरह करेंगे और फिर उससे आगे स्कर्दू की तरफ इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है कि आज रात हम स्कर्दू में स्टे करेंगे, अगर वक्त के साथ पहुंच चुके और रास्ते में अगर कोई दूसरा स्टॉप ना हुआ। अभी बाबूसर टॉप से निकल रहे हैं और रास्ते आप देख रहे हैं, अब क्योंकि हम 13,700 फुट बुलंदी के ऊपर हम चले थे बाबूसर टॉप के लिए, अब वो उतरनी भी है और सुनने में भी यही आया। और मतलब कि एक बड़ी मशहूर बात है कि चलास के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और रोड की कंडीशन तो बहुत साफ़ लग रही है, क्योंकि पहले हम बाबूसर टॉप तक आ चुके हैं और ये इससे आगे का सफ़र हमारा फर्स्ट टाइम है और हम भी पहली बार देखेंगे जो कुछ आगे हमें दिखाई देगा, जो माहौल होगा जो भी, और आपको भी उसके साथ साथ दिखाएंगे। रोड बहुत खूबसूरत है जी, सिंगल रोड है और आपको दिखाई भी दे रहा है कि बिल्कुल एकदम मलाई मलाई बॉडी वाला सीन है जी। तो सफ़र स्टार्ट हो चुका है, आप भी हमारे साथ रहिएगा, लेकिन डर वाला कॉन्सेप्ट तो है ही है कि एक तो उतराई है फिर उसके साथ साथ गुलाई भी है, यानी कि बिल्कुल गुलाई वाला कॉन्सेप्ट। अभी देखें जैसे ही मैं हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और वो आगे आपको पहाड़ों के दरमियान में से रोड भी दिखाई दे रहे होंगे। बहरहाल अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी, हम सफ़र आपका आगाज़ कर रहे हैं, मिलते हैं आगे जाके आपसे भी। दे दे।
ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ अच्छा तो दोस्तों रोड बड़े खूबसूरत हैं और मनाजिर भी कमाल हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत गर्म हवाएं हैं। एकदम से बाबूसर टॉप की एक हद लेवल की सर्दी को छोड़कर जैसे ही हमने सफ़र स्टार्ट किया, अभी तकरीबन आधा पौना घंटा हमने सफ़र स्टार्ट किया तो उसके बाद से ओहो गर्म हवाएं, हमारे बूट वगैरह जो थे वो गीले थे पीछे चश्मों की वजह से, वो यहाँ पर खुश्क होने के साथ साथ गर्म भी हो चुके हैं। बहरहाल मनाजिर बड़े ही मज़ेदार हैं, लेकिन इसके साथ साथ गर्म हवाएं भी हैं। अब ये चलास ख़त्म होगा तो उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। चलास पहुंच गए कि नहीं? मस्त तेरी लंबी थी, मुझे नहीं पूछा। चलास 7.5 किलोमीटर इतको, लेकिन पीछे में 1 किलोमीटर शो कर रहे हैं। अच्छा। चलें जी, बहरहाल चलास पहुंच चुके हैं और असर की नमाज का वक्त भी है। ताऊबर से निकले हैं और मुसलसल हमने सफ़र किया। आपने भी देखा है ये काले पहाड़ों को। अभी हम नमाज पढ़ेंगे, फर्दू का कैंसिल है कि आज नहीं जाएंगे। अस्ट्रॉल ही है यार, चलो जो भी है, हम आज रात वहाँ स्टे करेंगे। वो तकरीबन यहाँ चलास से 105 किलोमीटर है। साहब केरी जगह रुकना है? सी हमने आज पहुँचना है जी, अस्ट्रॉल पहुँचना है। सही नाम अस्ट सुनाई नहीं दे रहे है ना, मैं पता नहीं की तो सुनाना है उनको सुनाई दे गया। नहीं फिर बोलियो मैं अस्ट्रॉल रास्ता सही है, ठीक है, जैसा भी हो फिर। नहीं वैसे जो चल अभी आ रहा है बाबू, तो आप जाके देखेंगे तो फिर ये ना। नहीं इन्होंने कुछ नहीं कहा, पहली दफा जा रहा हूँ मैं भी। चल तो नमाज का क्या प्लान है? नमाज का कहाँ पे? चलें जी शो साहब, ताऊबत कह रहा हूँ, बाबसा टॉप तो माशाल्लाह मौसम काफी अच्छा था, मतलब इतनी सर्दी, सूरज था ना इस वजह से सर्दी महसूस नहीं हुई थी। अभी चलास में क्या सीन है? इस चलास में जी हर चीज़ जा रही है, ऊपर से लेके नीचे तक जा रहे हैं हम लोग ना। नहीं बहुत गर्मी है यहाँ, तो ये देख लें कि हमारा वहाँ पे आप शहरों में से गुजर के हैं कि बूट शूज वगैरह जो है ना वो सारे भीग गए थे, खुश्क हो गए, अब बिल्कुल खुश और हत्या के गर्म हो गया, अब शूज गर्म हुए पड़े हैं। और अब यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं जी बस वगैरह करके, फिर इंशाल्लाह इससे आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं जी। तो असर की नमाज़ हमने चलास पर ली, थोड़ी देर आराम कर लिया, तकरीबन आधा पौना घंटा हमने आराम भी किया क्योंकि बहुत गर्म हवाओं से टकरा के हम निकले थे। और इसके साथ साथ एक नई बात, प्लान हमारा चेंज हो चुका है, आज हम स्कर्दू नहीं जा रहे। आज जिस जगह जा रहे हैं वो बड़ा मुश्किल नाम है। असल में ना जब हम ऊपर से नीचे उतर रहे थे तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद, गर्म हवाओं के साथ हमारी समात के अंदर भी कमी आ चुकी थी, कान बंद हो रहे थे और साथ वाले की बात सुनाई भी नहीं दे रही थी। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट था, दूसरा अपनी नलायकी को क्या छुपाना भाई, देखकर भी नाम नहीं पढ़ना आ रहा था जैसे जहां हमने जाना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है इन इलाकों की तरफ, मैं तो फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूं और
फिर वो नाम को अस्त्रोल और पता नहीं क्या क्या पैरासीटामोल भी कहते रहे हम। और अब जी फाइनल स्कर्दूप की तरफ नहीं जा रहे हम जा रहे हैं अस्तोर की तरफ। और अस्तोर हम रात को स्टे करेंगे वहाँ पर, उससे आगे फिर अगला जो भी प्लान होगा वो रात स्टे करने के बाद डिसाइड होगा। मैं और अली भाई एक बाइक पे सफ़र करते हैं, साद और शरोज साहब दूसरी बाइक पे सफ़र करते हैं। अली भाई की हो गई है जी यहाँ पे तबीयत ख़राब चलास के अंदर, वही गर्म सर्द हुए हैं तो बुखार का कॉन्सेप्ट बन गया। अब अली भाई बैठ गए हैं साद के पीछे और मेरी हमारी वाली बाइक जिस पे मैं बैठा हूँ वो चला रहे हैं शरोज साहब। दुआ ये जी अल्लाह खैर खैरियत से हमारा सफ़र गुजार दे। अभी भी गर्म हवाएँ हैं, माहौल देखें जी आप कमाल का जी। और हम तो नज़र नहीं आ रहे, हमारा साया तो मौजूद है ना जी आपके सामने। ये वाला कॉन्सेप्ट देखें, जैसे मिट्टी की दीवार खड़ी हुई है। ओए होए, ये तो एक अलग ही व्यू है ना जी, कमाल है। ऐसे जैसे वो गारे मिट्टी की दीवारें नहीं बनाते, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट। और ये तो बड़ा ख़तरनाक काम है, अल्लाह पाक महफूज रखे। ये वो बारिश के मौसम में तो वैसे ही अल्लाह पाक महफूज रखे। पता नहीं
शरो साहब पहचान लिया आपने, गाड़ी की सीट पे बैठ करके पक जाता है। आप लोग हिम्मत वाले, हमारी यूट्यूब के लिए भी कुछ कह दें, आपकी यूट्यूब के लिए यही कहेंगे कि आप बाहिम्मत लोग हैं। अच्छा, जो बाइकर्स हैं स्पेशली जो एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन असल जो मजा है वो मेरा भी ख्याल है बाइक पे ही है। यकीन करें कि मैं आपको इस मोबाइल के अंदर वीडियो दिखाऊं जो अभी मैंने एडिट करके, वो मुझे ना दिखाएं, वो अपने देखने वालों को दिखाएं। आप भी जरूर शामिल होना हमारे साथ, मैं भी देखूंगा। हमारी बेस्ट विशेज आपके लिए, वीडियो बनाए, थैंक यू, और आपको दिखाएं कि हमारा खूबसूरत नॉर्दर्न एरिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्टोर उधर रह गया, स्टोर तो पीछे, स्टोर तो यहाँ से आगे 3 घंटे का रास्ता है। आपने स्टोर जाना है, मेहरबानी, शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। ओए जी, नवे ही पंगे च पै गए सी। असल में हम बाइक वो स्पीड से चला रहे थे, हमने कहा आगे जाके कहीं हम स्टॉप करेंगे और पीछे वाली जो बाइक है यानी साद और अली वो आ जाएंगे, फिर हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। अब बड़ी स्पीड से बाइक भगा रहे हैं, रस्तों का हमें पता ही नहीं है। हमने अस्तौर की तरफ जाना था और निकल पड़े हैं जगलोड की तरफ। अभी वो यूट्यूब वाले भाई, नाम मुझे उनका नहीं याद क्या है, लेकिन क्या कहते हैं, उनकी मैंने वीडियोस देखी होंगी, अगर आप में से कोई उन्हें जानता हो तो उनका नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। उन्होंने बताया, भाई गलत आ गए हो आप, 2-3 किलोमीटर आगे आ गए हो, पीछे रोड। हमने आप वीडियो के अंदर पीछे देखा होगा कि गुंबद सा, मतलब एक शारा टाइप का बना हुआ है कि वहाँ से, लेकिन हमने स्पीड में कुछ ना देखा और सीधे ही चले गए। अब साथ वाले साथी भी गायब हैं और रात का अंधेरा हो चुका है। हमें 20-25 मिनट वापस लगे वहाँ से आने, फिर हम अब अस्तौर के रोड के ऊपर हैं। उम्मीद है कि हमारे साथ वाले साथी मिल जाएंगे हमें, लेकिन अभी खौफ भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, साथी मिल गए हैं। अब हुआ ये था कि वो जो साथ वाले थे वो आगे ना एक चेक पोस्ट आती है, मतलब आप जो सफ़र करते हैं उनको पता है कि जहाँ पर अपनी शिनाख्त, आप जितने भी लोग हैं इन सब में से कोई एक बंदा अपना शनाख्त कार्ड देकर अपनी एंट्री करवाए। तो उन्होंने वहाँ पे रजिस्टर पे चेक किया, हमारी एंट्री नहीं थी, तो उन्होंने बड़ी ही अकल से काम लिया और कहा कि जब उनकी एंट्री नहीं हुई तो वो यहाँ जा नहीं सकते आगे। तो उन्होंने वहीं बैठ के हमारा इंतज़ार किया और चंद ही लम्हों के बाद हम वहाँ पहुँचे तो वो आके मौजूद थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें मिल गए हैं। तो अब उनके साथ अगला सफ़र हम स्टार्ट कर रहे हैं। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, रोड बहुत ख़राब है, सीधी सी बात है, ये रोड देना पीछे भी हमने जितना चले हैं और अभी तक जितना आगे चल रहे हैं बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है। अब दुआ है कि हम बाकी सफ़र भी खैर खैरियत से गुजार दें और अस्तौर जाकर आज स्टे करें। अल्लाह ताला के फजल व करम से चलास से हम चले थे असर की नमाज के बाद। रस्ते में थोड़ी सी परेशानी बनी और खैर खैरियत से हम अस्तौर पहुंच चुके हैं जहां हमने ठहरना था, और इस वक्त रूम में मौजूद हूं और साथ अभी हम खाना वगैरह खाएंगे और आराम करेंगे और यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होती है आज का, यानी डे नंबर 3। लेकिन और दूसरी बात ये थी कि कल का जो हमारा प्रोग्राम है, कल जहां हम जा रहे हैं बहुत ही कमाल की जगह, बहुत ही खूबसूरत है, अभी तक सुनने में ये आया है।
तो इसका मतलब है कल का दिन और कल का व्लॉग यानी नेक्स्ट जो व्लॉग है बहुत ही कमाल का होने वाला है। नई नई चीज़ें हम देखेंगे और साथ आपको दिखाएंगे। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पहुँच जाते हुए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।